गाइस फ्लिपकार्ट ने अपना खुद का यूपीआई एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया है। पेटीएम, फोन पे, गूगल पे की तरह फ्लिपकार्ट का एप्लीकेशन मार्केट में आ चुका है और इस एप्लीकेशन से आप अपना यूपीआई से जो भी खर्चा करोगे उस पर अभी आपको 5% के हिसाब से कैशबैक मिल रहा है। इसी के साथ इस ऐप में बहुत सारे नए नए प्रोडक्ट बहुत जल्दी आने वाले हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट अपना खुद का यूपीआई वाला एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने वाला है और इसी ऐप से आप फिक्स डिपॉजिट कर पाएंगे जिस पर आपको 9% तक का इंटरेस्ट मिलेगा आपकी फिक्स डिपॉजिट पर, और साथ में इस ऐप के अंदर आपको लोन का भी ऑप्शन मिलने वाला है। तो काफी कमाल का एप्लीकेशन है, नया नया एप्लीकेशन है। चलिए देखते हैं किस प्रकार से काम कर रहा है एप्लीकेशन और कैसे इसमें अकाउंट बनाना है और किस प्रकार से आप इस ऐप के अंदर 5% का कैशबैक अर्न करेंगे अपने यूपीआई क्रेडिट कार्ड या फिर अपने बैंक अकाउंट की पेमेंट करके। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं सारा प्रोसेस। नमस्कार, मेरा नाम मनीष प्रजापति, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम एक न्यू वीडियो में। चैनल पर अगर आप पहली बार आए सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक जरूर कर देना। गाइस एप्लीकेशन का नाम है सुपर मनी। सुपर मनी नाम से ये ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। अब एक बात का ध्यान रखना, सुपर मनी नाम से प्ले स्टोर पर दो एप्लीकेशन है, तो आपको ये वाला ऐप डाउनलोड करना है जिसमें लिखा हुआ सुपर मनी यूपीआई बाय फ्लिपकार्ट। सो ये वाला ऐप आपको डाउनलोड कर लेना, अभी बीटा वर्जन में है लेकिन सभी लोगों के लिए अवेलेबल है, लेकिन ये ओनली एंड्रॉइड वर्जन के लिए है। अगर आपके पास आईफोन वगैरह है तो आप इस ऐप को यूज नहीं कर पाएंगे फिलहाल, बाद में हो सकता है कि iOS पर भी आ सकता है। तो आपको सिंपल सा इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। अगर आपको प्ले स्टोर पर नहीं मिलता है ये एप्लीकेशन तो इसका लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप ओपन करते हैं तो यहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और इस ऐप में अपना अकाउंट बनाना है। मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उसको आप डालिएगा। कुछ परमिशन को अलाउ करने के लिए बोलेगा, सारी परमिशन को अलाउ कर देंगे आप। और इसके बाद यहां पर आपका जो सिम वेरिफिकेशन है वो होगा, जैसे कि हर यूपीआई ऐप में होता है आप जानते ही, तो आपके मोबाइल में रिचार्ज वगैरह होना चाहिए। इसके बाद आपको स्टार्टिंग में ही बैंक अकाउंट या फिर क्रेडिट कार्ड लिंक करने का ऑप्शन आ जाता है। तो इस ऐप को आप तभी इस्तेमाल कर पाएंगे जब आप बैंक अकाउंट अपना लिंक कर लेंगे। तो यहां पर नीचे बैंक अकाउंट का ऑप्शन, इस पर क्लिक करिएगा और यहां से अपना जो भी बैंक है आपका सिलेक्ट कर लीजिएगा किस बैंक को आप इससे लिंक करना चाहते हैं। और इसके बाद यहां पर आपका बैंक अकाउंट लिंक हो जाएगा और यहां पर लिंक अकाउंट का ऑप्शन रहेगा, इस पर आप क्लिक कर देंगे तो यहां पर कंटिन्यू का ऑप्शन खुल जाएगा, आप इस पर क्लिक करिएगा और अब आप एप्लीकेशन के अंदर लॉग इन हो जाएंगे। ऐप के अंदर लॉग इन होने के बाद देखिए इस प्रकार से आपको इसका इंटरफेस दिखाई देता है। सबसे पहले तो यहां पर आपका बैंक अकाउंट लिंक हो चुका है तो अब आप यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं और इस ऐप पे आप अपना यूपीआई वाला क्रेडिट कार्ड भी लिंक कर सकते हैं। अब यहां पर बताया गया है कि आप इस एप्लीकेशन से अपना यूपीआई क्रेडिट कार्ड लिंक करके या फिर अपना बैंक अकाउंट लिंक करके जो भी आप मर्चेंट पर कुछ स्पेंड करते हैं, अपना पेमेंट करते हैं, तो आपको अप टू 5% तक का कैशबैक दिया जाएगा। तो यहां पर आपका जो क्रेडिट कार्ड है आप इससे लिंक कर लीजिएगा और अपना पेमेंट करिएगा तो आपको दो जगह फायदा हो जाएगा। पहली बात तो आपका जो बैंक आपको रिवार्ड पॉइंट या फिर डायरेक्ट कैशबैक वगैरह आपके लिए देता है तो वो आपको अलग मिल जाएगा और यहां पर आपको अप टू 5% का बेनिफिट अलग से होने वाला है। यहां पर आप अगर बैंक अकाउंट से ही पेमेंट करते हैं तो भी आपको अप टू 5% का कैशबैक दिया जाएगा। बट यहां पर ये कैशबैक कब तक मिल रहा है इसकी कोई गारंटी नहीं है, ना ही इन्होंने ऐसा कुछ बताया है, अभी तो फिलहाल दे रहे हैं। और यहां पर एक बात और बड़ी कंफ्यूजन वाली यह है कि 5% के हिसाब से कितना मिलेगा कैशबैक यह भी नहीं बताया है। तो हम एक बार ट्राई कर लेते हैं पेमेंट करके और देखते हैं कितना कैशबैक यहां पर दिया जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले यहां पर हम क्यूआर कोड स्कैन करते हैं और यहां से 1000 रुपए का पेमेंट करते हैं। तो जैसे मैंने 1000 रुपए पेमेंट किया है यहां पर तो मुझे इसमें 5 रुपए दिया गया है, तो चलिए कोई बात नहीं। इसके बाद मैंने 100 रुपए का पेमेंट किया है तो मुझे फिर 5 रुपए मिला है और इसी प्रकार से मैंने 50, 100, 50, 200 ऐसे पेमेंट मैंने किए हैं, कम से कम 5-6 पेमेंट किए हैं। तो सब पर मुझे एवरेजन देखा जाए तो 6 रुपए से ऊपर नहीं मिला है, 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए इस प्रकार कैशबैक मिल रहा है। तो ये बात तो क्लियर है कि यहां पर 5% के हिसाब से जरूर आपको मिल रहा है कैशबैक, बट ये 5-10 रुपए के आसपास ही आपको दे रहे हैं। कुछ कुछ लोगों को हो सकता है कि 25 रुपए तक दिया जाए, मेरे एक फ्रेंड को यहां पर 25 रुपए भी मिला है। तो 25 रुपए के आसपास यहां पर आपको अधिकतम मिल सकता है कैशबैक, बाकी का नॉर्मली पेमेंट आपको 4-5 रुपए के आसपास दिया जा रहा है एक सिंगल ट्रांजेक्शन पर। और बताया गया है कि यहां पर आपको कैशबैक ओनली मर्चेंट ट्रांजेक्शन पर मिलेगा, मतलब डायरेक्ट आप बैंक में या फिर यूपीआई से पेमेंट करते हैं किसी को डायरेक्ट सेंड तो कोई कैशबैक आपको नहीं मिलेगा। क्यूआर कोड स्कैन करेंगे आप टैप स्कैन का ऑप्शन इस पर और यहां से आप किसी भी मर्चेंट का क्यूआर कोड स्कैन करके
पेमेंट करते हैं, चाहे खुद का ही क्यूआर कोड हो आपका मर्जेंट का, तो आपको कैशबैक दिया जाएगा। फिर भी ठीक है, जो भी यहां पर मिल रहा है कम से कम जब तक उतना आप यहां पर लूट सकते हैं। देखिए ये बात तो आप जानते हैं कि कोई भी कंपनी हो कैशबैक आपको हरदम तो नहीं दे पाएगी, लेकिन नया नया एप्लीकेशन तो अभी कुछ समय तक कैशबैक आपको दे सकता है। जैसे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम ने पहले बहुत कैशबैक दिया, आज कुछ भी नहीं मिलता है, तो ये ऐप भी अभी दे रहा है लेकिन बाद में मुझे लगता है कि इतना कुछ नहीं दे पाएगा। तो अभी मिल रहा है तो इसको अभी आप लूट सकते हैं। आगे बात करते, देखो यहां पर बताया गया है इस एप्लीकेशन में कि आपको तीन प्रोडक्ट और मिलने वाले हैं बहुत जल्दी इस ऐप के अंदर। सबसे पहला प्रोडक्ट आएगा यहाँ पर इनका क्रेडिट कार्ड, और ये एक यूपीआई वाला क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने वाले हैं जिसको आप इसी ऐप में लिंक करके और पेमेंट कर सकते हैं। और यहां पर जैसे कि इनके इरादे देख करके लग रहा है कि क्रेडिट कार्ड आपको एफडी पर देंगे, क्योंकि बताया गया है कि यहां पर आप मिनिमम 100 रुपए की एफडी करके अपना क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। तो ये काफी इंटरेस्टिंग बात है कि 100 रुपए की एफडी करके अगर कोई क्रेडिट कार्ड आपको मिल जाए, मुझे तो लगता है कि मिस्टेक से हो गया है कोई इनसे 100 रुपए, क्योंकि भाई आप जानते हैं कि मार्केट में अब तक तो ऐसा कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है जो 100 रुपए की एफडी पर मिल जाए। बट जैसा कि यहां पर बताया है, और अगर ये बात सच हुई 100 रुपए की एफडी वाला क्रेडिट कार्ड इसने लॉन्च कर दिया ना, तो भाई मार्केट में जो वन कार्ड या फिर गिल्ड कार्ड चल रहे हैं ना, ये 5,000 रुपए की एफडी वाले, इन सबकी बाट लग जाएगी और लोग 100 रुपए में एफडी वाला कार्ड लेंगे और अपना सिविल स्कोर बना लेंगे। तो ये बहुत बढ़िया बात है, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि कितने के एफडी पर कार्ड बाद में आपको दिया जाएगा। क्रेडिट कार्ड पर भी यहां पर आपको 5% तक का अप टू कैशबैक मिलेगा, और जो भी यहां पर आप अपना एफडी ग्रो क्रेडिट कार्ड लेने के लिए उस पर 9% तक का यहां पर आपको ये इंटरेस्ट प्रोवाइड करा देंगे। आगे बात करते हैं, तो यहां पर देखो बताया गया है कि आप फिक्स डिपॉजिट भी इसी ऐप से कर सकते हैं, लेकिन ये फिक्स डिपॉजिट किस बैंक में होगा अभी कुछ भी यहां पर जानकारी नहीं है, क्योंकि जो तीन प्रोडक्ट है इनके क्रेडिट कार्ड, एफडी और लोन, ये अभी लॉन्च नहीं किए। अभी बस इस ऐप में आप केवल अपना यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं, बाकी के प्रोडक्ट बहुत जल्दी इनके लॉन्च होने वाले हैं, जिसे लॉन्च होंगे तो हम आपके लिए अपडेट जरूर लाएंगे। तो अगर आप अपनी एफडी करते हैं यहां पर तो आपको 9% का इंटरेस्ट मिलेगा। एक और ऑप्शन है कैश का, जिसमें आप इंस्टेंटली लोन ले सकते हैं, आपको प्री अप्रूव लोन के ऑफर दिए जाएंगे, आपके जो ट्रांजैक्शन है उसके बेसिस पर यहां पर प्री अप्रूव लोन के ऑफर मिलेगा, लेकिन ये कमिंग सून में बहुत जल्दी यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से यहां पर आपके लिए जो है सारा का सारा डिटेल समझ में आ गया होगा। अगर हम बात करें इस कैशबैक की कि भाई जो कैशबैक यहां पर मिला है इसे किस प्रकार से बैंक में ट्रांसफर करना होता है, तो इसके लिए आपको यहां पर देखिए लास्ट में रिवार्ड का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करिए तो यहां पर आपको सारा का सारा जो कैशबैक है आपका शो हो जाएगा, कितना रुपए कैशबैक यहां पर मिला है आपके लिए। और यहीं पर स्विप टू रिडीम का ऑप्शन रहेगा, तो इसको आप इधर साइड में खींचिएगा तो यहां पर इस प्रकार से ये रिडीम हो जाएगा और ये आपके बैंक अकाउंट में ही डायरेक्ट आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप यहां पर इस ऐप को यूज कर सकते हैं और कैशबैक अर्न कर सकते हैं। जानकारी पसंद है वीडियो को लाइक कर देना। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।